Hi viewers, how are you? I'm Shahid Siddiq with Technical MindPro channel. Today we will discuss about capacity calculation of cone blender. And one more important thing, capacity in liters, not in kg. कि हम जो cone blenders हैं हमारे पास या mixing cone mixing है, cone mixer है, इसकी जो capacity है उसको हम liters में क्यों measure करते हैं? केजीज में क्यों नहीं करते? नॉर्मल तौर पर ये एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है, इस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास यूज ऑफ कोन ब्लेंडर क्या है, व्हाई लीटर्स नॉट इन केजी जो कैपेसिटी होती है क्यों होती है, मैक्सिमम अलाउएबल कैपेसिटी यानी कि कोई भी कोन ब्लेंडर है उसको हम जो कैपेसिटी उसकी 100% कितने परसेंटेज हमें यूज करनी चाहिए, मिनिमम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए पर ऑप्टिमम एफिशिएंसी ऑफ मिक्सिंग के लिए, और उसका एमओसी कौन सा होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर जो हमारे पास कोन ब्लेंडर भी कहते हैं, मिक्सर भी कहते हैं इसको, फॉर मिक्सिंग ऑफ ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन और डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ टेबलेट मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की मिक्सिंग के लिए, होमोजीनियस मिक्सअप के लिए हम कोन ब्लेंडर को यूज करते हैं। तो बड़ा आसान सा सिंपल सा मैकेनिज्म होता है, या एक ग्राफिकल भी आपको शो भी हो रहा होगा। इसमें मटेरियल आप डालते हैं, ये लिड ओपनिंग होती है दोनों साइड से, लिड आपने डाला और इसको इसकी रोटेशन होती है, आरपीएम डिफरेंट होते हैं एज पर आपकी रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट की आरपीएम आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, बीएफडी से भी कंट्रोल किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वाई कैपेसिटी टू बी मेजर्ड इन लीटर्स, इसको हम केजी में क्यों नहीं करते हैं? नॉर्मल अगर आपका कोई इंटरनेशनली मैन्युफैक्चर्ड आपके पास कोन ब्लेंडर है तो उस पर आइडेंटिफिकेशन प्लेट पर भी लिखा होता है कि लेट्स सपोज आपका जो कोन ब्लेंडर है 500 लीटर कैपेसिटी का है, 200 का है, 400 का है, लेकिन केजी में नहीं लिखा होता। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसी कैपेसिटी को मेजर कैसे करते हैं। ये हमारे पास एक बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है। फार्मूला बेसिकली है कि हमने अगर इसको केजी में निकालना तो फिर क्या करते हैं, ठीक है। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जिसकी कैपेसिटी होती है मैन्युफैक्चर्ड किसी भी इक्विपमेंट की वो लीटर में क्यों होती है। अगर आप इस फार्मूले पे गौर करें तो इसमें लिखा हुआ है कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्लेंडर मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ मटेरियल। ये कैपेसिटी जो है ये हम निकालना चाह रहे हैं केजी में। केजी में निकालने के लिए हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ ब्लेंडर है वो होना चाहिए लीटर्स में, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ मटेरियल होनी चाहिए। अब अगर आप गौर करें कि डेंसिटी क्या चीज होती है हमारे पास, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये डेंसिटी हर प्रोडक्ट की, हर ग्रेडियंट की डिफरेंट होती है। अगर आप एरोसोल की बात करें तो उसमें आप देखें कितना लाइट वेट होता है, उसकी जो क्वांटिटी किसी भी ब्लेंडर में आएगी वो कम आएगी। कोई ऐसी चीज जिसका डेंसिटी ज्यादा है वो लार्ज ब्लेंडर में उसका वेट जो है वो ज्यादा आ जाएगा। इस वजह से आप केजी में इसको कैपेसिटी को जो फिक्स कैपेसिटी है उसकी केजी में आप नहीं कर सकते। केजी में हर प्रोडक्ट के लिए किसी भी ब्लेंडर की कैपेसिटी डिफरेंट होगी, क्योंकि केजी में डिपेंड कर रही होती है कैपेसिटी डेंसिटी पे, मास पर यूनिट वॉल्यूम पे, और हर चीज की डेंसिटी दूसरी से डिफरेंट होती है। इस वजह से जब आप किसी भी ब्लेंडर की बात कर लें जनरल टर्म में कि वो उसकी कैपेसिटी क्या है, तो आप लीटर्स में बताते हैं कि ये ब्लेंडर 1000 लीटर का है, ये ब्लेंडर 500 लीटर का है। उस केस में लीटर्स में उसकी कैपेसिटी फिक्स रहती है, लेकिन इन किलोग्राम में उसकी जो कैपेसिटी है वो डिपेंड कर रही होती है कि आप मिक्स कौन कौन सा प्रोडक्ट कर रहे होते हैं। कुछ प्रोडक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी, कुछ ही कम होगी, उनका जो वॉल्यूम है, जो क्वांटिटी है केजी में, वो उसी हिसाब से ब्लेंडर के अंदर आएगी, ठीक है। ये बेसिक वजह है कि हम इसको क्यों जो टर्म यूज करते हैं केजी में करने की बजाय लीटर में क्यों करते हैं। ये तो हो गया हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला। इसमें हम जो हम प्रोडक्ट इसमें मिक्सअप करेंगे उससे डेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम वॉल्यूम ऑफ ब्लेंडर नॉर्मली तौर पर तो आइडेंटिफिकेशन प्लेट पे टैग होता है या मैन्युफैक्चरर आपको प्रोवाइड भी करता है जितनी कैपेसिटी है। अगर आपको नहीं पता तो इसके दो तीन आसान से तरीके हैं। नंबर वन तो ये है कि आप कोई भी कैलिब्रेटेड चीज लें, ड्रम ले लें जिसका आपको पता है 50 लीटर का, उसमें डाल के चेक कर लें।
अगर आपने दो ड्रम से भर गया तो इसका मतलब वो आपका 100 लीटर का है, चार से भर गया तो 200 लीटर का है, या आप कोई फ्लो मीटर लगा लें उससे फिलअप कर लें, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि कितनी कैपेसिटी है। अगर ये मुश्किल काम है, हेक्टिक एक्सरसाइज है, तो फिर आप इसको थ्योरेटिकल कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये एक डायग्राम है, कुछ कोन ब्लेंडर इस टाइप का होता है, ऊपर वाली शेप, ये सेंटर में सिलेंड्रिकल शेप, फिर कोन शेप, इन कोन्स की वजह से इसको कोन ब्लेंडर भी कहते हैं। अगर आप इस पे गौर करें तो ये तीन शेप्स बन रही है आपके पास, ये टॉप वाली है, इधर वाली, ये सेंटर वाला सिलेंडर, ये आ गया और ये नीचे वाली कोन आ गई। तो इनका आप अलग अलग तीनों का वॉल्यूम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ये आपके पास फार्मूलाज हैं सिलेंडर के लिए, आप ये वाला अगर गौर करें, आपके पास ये हाइट है, ठीक है, और ये इसका रेडियस है। सिंपल आप फार्मूला लगाएं, वी इज इक्वल टू पी पाई आर स्क्वायर एच। इससे आप क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकल आएगा, और इस फार्मूले से आपके पास वी इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से कोन का निकल आएगा। एक कोन का निकालें, दूसरी का निकालें, प्लस सिलेंडर का निकाल के इन तीनों को आप सम करेंगे तो आपके पास ब्लेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। जब ये वॉल्यूम आ जाएगा, ये आपके पास लीटर में आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें डेंसिटी ऑफ मटेरियल के साथ, तो आपके पास कैपेसिटी आ जाएगी किसी भी ब्लेंडर की इन केजी। इसका जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है एज पर जीएमपी गाइडलाइंस, वो होना चाहिए 316L, और सेफ्टी के लिए नॉर्मल तौर पर लार्ज ब्लेंडर के सामने रेलिंग यूज की जाती है, कि जब ये आप यहाँ पे सेंसर के साथ इसकी डॉकिंग की जाती है, जब इसको आप ओपन करते हैं, कोई पर्सन अंदर जाने लगता है, तो ऑटोमेटिकली ब्लेंडर जो है वो रुक जाता है। जब तक ये आपकी रेलिंग क्लोज नहीं होगी, तब तक आपका ब्लेंडर रिस्टार्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये पर्सनल सेफ्टी के लिए है, ताकि जब भी कोई पर्सन करीब जाए तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्लेंडर है वो स्टॉप हो जाए। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम हम कितना इसकी कैपेसिटी को यूटिलाइज करना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट की मिक्सिंग के लिए, और मिनिमम कितना इसमें होना चाहिए। तो इसमें अगर आप कोई भी, लेट्स सपोज आपके पास ब्लेंडर है 200 लीटर कैपेसिटी का, तो आप उसमें जब डेंसिटी इन केजी वाल कैपेसिटी इन केजी निकाल लेते हैं, 200 केजी है, आप मिक्सिंग करना चाह रहे हैं 200 केजी के ब्लेंडर में, तो आप उसका 80% मैक्सिमम फिलअप कर सकते हैं। 80% से ज्यादा करेंगे तो, क्योंकि वो इतना ज्यादा फिलअप हो जाएगा कि जो आपने प्रोडक्ट उसमें एडअप किए हैं उनकी मिक्सिंग के लिए स्पेस नहीं बचेगी, वॉल्यूम नेक टू नेक हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम 70-80% फिलअप करें ताकि मिक्सिंग अच्छी हो, और कम से कम भी उसमें 30-40% वॉल्यूम होना चाहिए अच्छी होमोजीनियस मिक्सर के लिए। अगर इससे भी कम होगा तब भी आपकी होमोजीनियस मिक्सिंग नहीं होगी, अगर 70-80% से ज्यादा हो जाएगा तो फिर भी नहीं होगी। ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें जो मेन मिसकंसेप्शन थी वो यही थी कि नॉर्मल तौर पर हम टर्म यूज करते हैं किसी भी ब्लेंडर की कैपेसिटी जो है वो केजी में होती है। ये मैं बताना चाह रहा था कि इसको केजी नहीं बल्कि लीटर में होती है। हाँ, जब आप किसी भी प्रोडक्ट को मिक्सअप करना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट के हिसाब से आप केजी में कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स।